योगा इट्स मी एसआर और आप सभी का दाई मॉडल सीक्रेट मास्टर की और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुँच सके। तो ये वाला एपिसोड का भी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सीक्रेट मास्टर को वॉइड क्रिएट करते हुए देखने के बाद ये छोटा सा नन्हा सा छोटा डीमन बहुत ही डर जाता है। जहाँ पर हम लोग सीनियर सिस्टर लूबी से पूछ रही थी कि लूबी ये वॉइड किसने क्रिएट किया था, हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट के अंदर इतना पावरफुल तो कोई बंधन था ही नहीं। तो हम लोग लूबी हम लोग पैटिक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो बंदा देख रहे हो ना ये हम लोग के एंसेस्टर है और हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट का 13 पैटिक है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम ना डिवाइन ड्रैगन सेट का हो इसलिए तुम भी मेरे डिसाइपल हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। जो सुनने के बाद अभी हम लोग एल्डर सिस्टर बहुत ही यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग के जो सेक्ट मास्टर है उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अगर आप ना होते ना महान मास्टर तो आज मैं वहाँ पर भी फंसे रह जाते। इसी के साथ पैटिक उन लोगों से कहता है तो चलो तुम तीनों अभी एकजुट हो चुके हो तो अभी हम लोगों ना जल्दी जल्दी करके विन डायनेस्टी की तरफ चलना चाहिए, वहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम है। लेकिन हाँ वहाँ पे जाने से पहले ये लो ये जो बोर्डल देख रहे हो ना इसमें हम लोग जो डिवाइन ड्रैगन का है उसका एसेंस है, जल्दी जल्दी कैसे इसे एब्जॉर्ब कर लो। जो सुनने के बाद हमें लूबी भी अपने एल्डर सिस्टर से कहते हैं कि जल्दी करो हम लोग जो पैट्रिक तुम्हें दे रहा है ना इसे जल्दी करके एब्जॉर्ब कर लो। और इसी के साथ पैट्रिक के हाथ में एक छोटा सा पाउच दिखा जाता है जिसे देखने के बाद अभी जो छोटा ब्लैक था ना वो भी बहुत आनंदित हो जाता है और कहता है क्या ड्रैगन का ब्लड, ये अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाता ना तो मेरा यहाँ पर जिंदगी बन जाता। तभी यहाँ पे घोड़ा मामू उसे कहता है चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, तभी वो बंदा कहता है ठीक है भाई मैं ना इसका एक बुंद भी नहीं चाहता, मैं तो अभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। और यहीं पर लूबी के बताने के बाद हम लोग का एल्डर सिस्टर जो ड्रैगन का एसेंस है ना उसे जल्दी जल्दी करके मुंह में ले लेता है और जिसे देखने के बाद मुझे तो अलग ही कुछ लग रहा था। और इसे लेने के बाद ना झटपट करके यहाँ पे कल्टिवेशन करना स्टार्ट करता है जहाँ पर सब रियलम को तोड़ते हुए डायरेक्ट 34 प्रोफाउंड कोर में आ जाता है। जिसे देखने के बाद हमें ब्लैकी अपने जो घोड़ा मामा उसे कहता है कि ब्रदर माँ ये कैसा हो रहा है। जहाँ पर ब्रदर माँ सुनने के बाद वो घोड़ा मामा सोच रहा था क्या मैं ब्रदर माँ, और तभी वो ब्लैकी कहता है कि ये तुम लोग जो बंदे थे अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोफाउंड कोड रिलम के 13 में था, अभी वो तोड़ते हुए डायरेक्ट जो गॉड सेपिंग रिलम है उसके 8 पे कैसे आ गया। जो सुनने के बाद अभी घोड़ा मामू भी कहता है तुम्हें पता नहीं क्या ये जो हम लोग जो पैट्रियक ने उसे ड्रैगन एसेंस दिया ना ये हम लोग का पैट्रियक खुद बनाया था और अपने बॉडी के अंदर जब तक ना तुम्हारे पास ड्रैगन का एसेंस है ना तो तुम इसे निकाल नहीं सकते और ये बहुत ही पावरफुल है, ये ऐसा वैसा कोई ड्रैगन का कोड नहीं है, ये ना बहुत ही पुराना वाला और प्योर एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड था। जहाँ पर इतने शानदार ब्रेक थ्रू करने के बाद ना लूबी भी उसके सिस्टर के पास आ जाती है और उसे कहते हैं कि सिस्टर आपने तो बहुत कमाल कर दिया, मैंने ये करने के बाद भी मेरे पास और भी ज्यादा कल्टीवेशन के लिए चीज था लेकिन मैं फिर भी यूनाइट रिलम पे ही पहुंच सका था लेकिन आपने तो डायरेक्ट गॉड सेपिंग रिलम पे आ गए, आप तो बहुत ही शानदार हो। जहां पे एल्डर सिस्टर भी सोच नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, एक साथ 3 रिलम को तोड़ते हुए वो डायरेक्ट गॉड सेपिंग रिलम पे आ चुका था, ये देखने के बाद तो चौंकेगा ही ना। और इसी के साथ पैट्रिक एल्डर सिस्टर के पास जाने के बाद उसे एक इंपीरियल रोब और एक बहुत ही पावरफुल गॉड लेवल का स्वॉर्ड देते हुए कह रहा है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए ना मैं तुम्हें दे रहा हूं, वैसे भी तुम्हारे भाई और बहन को मैं दे चुका हूं। तभी जो देखने के बाद ब्लैकी का ना मुझे था ना वो खुला का खुला रह जाता है और तभी वो घोड़ा मामू उनसे पीटते हुए कहता है कि ब्रदर मा क्या तुम्हारा पैट्रिक इतना अच्छा है कि किसी के साथ मुलाकात करने के बाद ही उसे इतना अच्छे से गिफ्ट देते, तो जल्दी करो ना मुझे भी आप लोगों के जो ये सेक्ट है उसके अंदर ले लो। और इसी के साथ वो सेक्ट मास्टर के पास जाता है और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर आप तो बहुत ही पावरफुल है, ये ऑलमाइटी मालिक मुझे ना अपने सेक्ट में ले लीजिए, मैं एक बहुत ही पावरफुल फॉक्स हूँ और मैं एक 9 टेल फॉक्स होने वाला हूँ, मेरा अभी ना 3 टेल है लेकिन मैं जल्दी 9 टेल ग्रो कर लूंगा क्योंकि मेरा जो मालिक था ना उसके पास ज्यादा पावर नहीं था जिसके वजह से मुझे यहाँ पे 3 टेल होने के बाद ना इस जंगल के मरीज में छोड़ दिया था, और अगर आप मुझे ले जाते हो ना आपने साथ तो मैं ना एक कोने में गिरा रहूंगा और मैं बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीच हूँ, आप लोगों का जो सेक्ट है ना उसे जितने दिन यहाँ पे बचूंगा उतने दिन प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जो सुनने के बाद अभी घोड़ा मामा कहता है नहीं रे मेरे जो सेक्ट मास्टर है ना उसके पास बहुत सारे यहाँ पे डिमोनिक बीच है और तू ना उसके बीच में सबसे कमजोरों में से कमजोर होता है तो मेरे पैट्रिक को ना इतना मक्खन मत लगा। और तभी जो सुनने के बाद लूबी अपने सेक्ट मास्टर के पास आने के बाद उसे पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर आपके पास बहुत सारे डिवाइन बीच है ये क्या सच है। जहाँ पर सेक्ट मास्टर भी कहता है हाँ रे बच्ची मेरे पास ना बहुत सारा है और मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद ना एक एक को एक एक डिवाइन बीच दे दूंगा लेकिन वैसे भी अगर मैं तुम लोगों को ये डिवाइन बीच दे देता हूँ ना तो तुम लोगों का जो कल्टिवेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है इसलिए मैंने नहीं दिया, पहले तुम लोग जो रिलम है ना उसे बढ़ा लो गॉड बाइंडिंग में पहुंच जाओ उसके बाद तुम लोगों को डिमोनिक बीच देने के बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर सिस्टर्स सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि सेक्ट मास्टर ये जो डिमोनिक बीच है ना इसे हम लोग रख ही लेते हैं क्योंकि इसने मेरा जिंदगी जो है उसे बचाया था। जो सुनने के बाद अभी सेक्ट मास्टर कहता है अभी तुम लोगों जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसका मैं पैट्रिक नहीं हूँ तो लूबी को पूछो अगर लूबी इसे रखना चाहती है तो हम लोग रखेंगे। तभी जो सुनने के बाद लूबी कहती है क्या मुझे ये लगना चाहिए, तभी जो यहाँ पे जो मिलने था ना दौड़ के जाकर हम लोग लूबी से चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद उसे रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि बड़े दीदी मुझे ना रख लो अपने साथ मैं
बहुत ही पावरफुल हूँ और मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं अभी वैसे भी यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। तभी लूबी कहते हैं ठीक है हम इसे रख लेते हैं। तभी सेक्स मास्टर कहते हैं ठीक है चलो अब हम लोग ना विंड डायनेस्टी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कैलेज के अंदर ना मेरा एक अलग ही दुनिया है जिसके अंदर मैं तुम लोग को टेलीपोर्ट कर दूंगा, जहाँ पे जाने के बाद तुम अपना अच्छे से प्रैक्टिस करना। तब इसी के साथ सेक्स मास्टर इन तीनों को उसी जगह के अंदर टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग उससे कहते हैं कि मैंने तुम लोगों का जो रिलम है उसे बांध के रखा, तो अच्छे से कल्टिवेट करो और अपना जो रिलम है जल्दी जल्दी से करके ब्रेक कर लो। और इसी के साथ ये तीनों इडियट उसी जो पॉकेट डायमेंशन था ना उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर का नजारा ना बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे एक छोटा सा पैवेलियन था और हर तरफ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट था, जो जगह बहुत ही बड़ा था। जहाँ पे पैटिक आने के बाद उन लोगों से कहते हैं जो मेरा पॉकेट डायमेंशन है ना इसके अंदर बहुत ही डेंस है क्यू आई, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करो और अपने जो ब्रेक थ्रू का उसे जल्दी कर लो। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर कि छोटा बिल्ला हम लोग घोड़े मामू से कह रहा था कि घोड़े मामू तुम चलो मैं तुम्हें वन डायनेस्टी का जो रास्ता है उसे दिखाता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ हो सके तो टेलीग्राम में आ जाना, नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।